हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। फर्स्ट में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। सब लोग आ जाओ फटाफट से, और हाँ, अभी तक स्ट्रीम को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? ओके, चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट से। यार, कभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके 100 लोगों को तो एटलीस्ट आप ज्वाइन करवा सकते हो ये सेशन में। आपके तो दोस्त होंगे ही गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स, प्रिपरेशन करने वाले होंगे, तो उनको आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो इस स्ट्रीम को। ओके, और इस स्ट्रीम की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये वाला टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है और इस पर आपको इस PDF मिल जाएगी, ठीक है? बाकी अपडेट्स वगैरह तो आपको मिल ही रहे, और स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का जो है मतलब पूरा समरी है, और अभी हम शुरू करेंगे। ओके, और हाँ, जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। फर्स्ट आता है कोवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रॉट अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में ले लिया है, विच वॉज अर्लियर इन द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये सबसे ये पहले दूसरी मिनिस्ट्री में था, अभी यहाँ पे इस दूसरी मिनिस्ट्री मतलब कि कोवेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर ले लिया है, और अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या करती है, एंड इसके यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है रतन लाल कटारिया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट टू फिनमिन, ₹111 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम FY 2020 to 2025। यहाँ पे नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन NIP उसको यहाँ पे चेयर कर रहे हैं अतानु चक्रवर्ती, ठीक है? उन्होंने फाइनल रिपोर्ट NIP का दिया हुआ है 2019 से 2025, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को। और यहाँ पे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया हुआ है 111 लाख करोड़ ड्यूरिंग 5 ईयर स्पान, मतलब 5 साल का इन्होंने इन्वेस्टमेंट इतना बताया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे सेंटर वुड इन्वेस्ट 39% एंड स्टेट शेयर वुड बी 40%, फॉलोड बाय प्राइवेट सेक्टर 21%, ये इन्होंने बताया हुआ है। और बाकी यहाँ पे 3 कमेटी यहाँ पे सेटअप की हुई है, ठीक है? और जिसके यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं। NIP क्या है, तो NIP के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ टॉप्स अमॉन्ग द अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर MGNREGS। यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है पहला ऐसा स्टेट बनता है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है अनस्किल्ड लेबर्स को, मतलब 18 लाख अनस्किल्ड लेबर को, फॉलोड बाय राजस्थान 10 लाख एंड उत्तर प्रदेश दैट इज 9.06 लाख, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलप एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है? उसके अंडर में ये चीज़ की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, ठीक है ना? और बाद में इन्होंने बताया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का अचीवमेंट क्या है, MNREGS क्या है, ठीक है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये है, ठीक है? ये जो क्या है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है, लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड हु willingly does unskilled manual work। अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स को ये वर्कर्स के लिए रखा हुआ है कि 100 दिन के अंदर जॉब प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत अच्छी बात है। इंडिया इंस्टॉल 7.3 GW ऑफ सोलर पावर इन CY 2019 एंड सिक्योर्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट मेरकॉम। मेरकॉम के हिसाब से, मेरकॉम इंडिया रिसर्च के हिसाब से इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020, इसके अंदर इंडिया ने इंस्टॉल किया 7.3 GW ऑफ सोलर पावर इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2019, विच कंसोलिडेट्स इट्स पोजीशन एज द थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा इन्होंने सोलर पावर इंस्टॉल किया है 2019 में, जिसकी वजह से इंडिया को थर्ड पोजीशन पे लिया गया है। और इस रिपोर्ट की जो मेजर हाईलाइट्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, ये डिटेल्स है आप देख सकते हो। It reveals that the rapid pace of growth of solar market has largely been brought about by large players with top 10 companies।
अकाउंटिंग फॉर 68% मार्केट शेयर इन 2019. ओके, एंड और भी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है. नाउ मैरकॉम के बारे में, मैरकॉम इंडिया क्या है? मैरकॉम इंडिया जो है ये एक US बेस्ड मैरकॉम कैपिटल ग्रुप का सब्सिडरी है, और यहाँ पे क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी फर्म एंड यहाँ पे लीडरशिप इन्फ्लुएंस ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताता है, क्लीन एनर्जी के बारे में डिस्कस करता है. हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिया दर्शनी संजय है. फाउंडर जो है राज प्रभु, CEO एंड को फाउंडर ऑफ मैरकॉम कैपिटल ग्रुप. CEO एंड को फाउंडर राज प्रभु है, ठीक है. US aid announces $3 million to support India's efforts to combat COVID-19. यहाँ पे United States Agency of International Development USAID, ये एक वन ऑफ द लीडिंग एड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसने अनाउंस किया है एडिशनल ग्रांट ऑफ $3 million इन एडिशन टू द $2.9 million अनाउंस ऑन 6 अप्रैल. 6 अप्रैल को $2.9 million अनाउंस किया था, उसके बाद 3 मिलियन और इन्होंने अनाउंस किया है कोविड 19 से फाइट करने के लिए. और यहाँ पे ये फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द इनोवेटिव फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, ठीक है. और यहाँ पे ये जो है हेल्थ केयर एक्सेस, यहाँ पे पहल करके एक प्रोजेक्ट है उसके, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है पहल प्रोजेक्ट इज अ सपोर्ट टू सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस एंड टारगेट द अनडिजर्व्ड एंड कैटलिस्ट स्केल एंड इम्पैक्ट्स. इसके बारे में किया है, पहल के बारे में देख लेते हैं. पहल क्या है? पहल इज अ पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, ठीक है. ये PAHAL, ठीक है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एल एम सिंह है, टेक्निकल रिसोर्स है डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, ठीक है. नोटिफिकेशन काफ़ी लेट पहुंचता है आप लोगों को, अभी मुझे आया नोटिफिकेशन 8 मिनट के बाद. इंडिया रैंक्स 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी, न्यूजीलैंड टॉप्स IBPS ओपन बजट सर्वे. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019, जो कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP कंडक्ट करता है ये एडिशन, जिसमें इन्होंने, इनका ये 7th एडिशन था और उसमें इंडिया का रैंक 53rd है अमंग 117 नेशंस इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद द स्कोर ऑफ 49 out of 100. कितना स्कोर है? 49 है आउट ऑफ 100. भाई उसी के अंदर न्यूजीलैंड ने टॉप किया हुआ है लिस्ट के अंदर, जिसका स्कोर है 87. ग्लोबल एवरेज ट्रांसपेरेंसी स्कोर ऑन दिस सर्वे वॉज 45. हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम नेशंस. तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूजीलैंड है, बाद में साउथ अफ्रीका है, थर्ड पे स्वीडन है, 53rd पे इंडिया आता है, और 115 पे कॉमोरोस, 16 पे वेनेजुएला, 117 पे यमन. ओके, और रैंकिंग के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है. IBP की यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर्स है. इंडिया डाउनग्रेडेड टू कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन USS इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट. यहाँ पे US कमीशन के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, इंटरनेशनल, और उसके एनुअल रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग डाउनग्रेड कर दी गई है इन द बाय नेमिंग इट इन टू द लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिक्यूलर कंसर्न दैट इज टायर 1 फ्रॉम स्पेशल वॉच लिस्ट दैट इज टायर 2 इन 2019 रिपोर्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2004. यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? मे बी रिलीजियस फ्रीडम पे आप लोग न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से देखते हो, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो. ऑब्वियसली आई कॉन्ट स्पीक, मैं बोलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. ओके, दिस हैपन्स, दिस इज इंडिया. समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे. ओके, हम जो भी करंट अफेयर्स में देखते हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में हम जो सामने देख रहे हैं ये सारी चीज़ें अगर न्यूज़ में दिखाए तो बहुत सारा मोटिवेशन भी आ जाएगा कोविड 19 से फाइट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो थोड़ी कोई, हर कोई देखने वाला है, करंट अफेयर्स थोड़ी कोई देखता है. तो USCIRF, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, चेयर जो है टोनी परकिंस है. IRFA तो उस 1998, तो वो यहाँ पे 1998 में US कांग्रेस ने यहाँ पे किया था, और ये प्रमोट करता है रिलीजियस फ्रीडम एज अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, डिजास्टर कन्फ्लिक्ट्स ट्रिगर 5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स इन इंडिया इन 2019.
IDMC मतलब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के टाइटल के हिसाब से ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, उसमें यहाँ पे 5 मिलियन पीपल को इंडिया में डिस्प्लेस किया गया था, डिस्प्लेस्ड इन इंडिया, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार. 33.4 मिलियन पीपल फेस न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स इन अबाउट 145 कंट्रीज इन 2019 एंड इट कॉस्ट द वर्ल्ड 20 बिलियन इन 2019 फॉर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. इसका कॉस्ट लगा था 20 बिलियन, मतलब जो कि 33.4 मिलियन पीपल का डिस्प्लेसमेंट. और उसके हिसाब से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है. नाउ ये बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े हैं आज के आर्टिकल्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे रखे गए. आईडीएमसी के बारे में बात करते हैं. इट इज़ द वर्ल्ड्स ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. ये यहाँ पे ये चीज़ें मेजर करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को. और ये जो है हेडक्वार्टर्स इसका है जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जो है अलेक्जेंडर बिलाक. ओके. विकास अभियान लोन स्कीम लॉन्च, KVGB. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है, KVGB, ये एक रीजनल और रूरल बैंक चेयरमैन उसके जो है पी गोपी कृष्णा, उन्होंने लॉन्च किया है विकास अभ्य. एक लोन स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है कुछ रिलीफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, बोरोवर्स को, जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज COVID-19 के चलते पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है. सो ये जो है एग्जिस्टिंग MSME के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है उनके लिए होगा. अ मैक्सिमम लोन ऑफ अप टू 1 लाख विल बी प्रोवाइडेड एंड नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज एम्फेसाइज्ड एंड इज रीपेबल विद इन 36 मंथ. 36 मंथ्स तक यहाँ पे करना है आराम से, जिसमें 1 लाख रुपये तक की दी जाएगी लोन, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा. ओके. एंड उन्होंने यहाँ पे दूसरी बैंक्स ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि इंडियन बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है. 5 इमरजेंसी लोन स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की हुई है. बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ की हुई है. बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, सपोर्ट स्कीम में यहाँ पे 20% एडिशनल क्रेडिट ऑन देयर एग्जिस्टिंग करंट वर्किंग कैपिटल लिमिट, उसमें यहाँ पे उनको दी जा रही है. और ये काफ़ी अच्छी है. लाइक दिस आर द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन. KVGB हेडक्वार्टर्स धरवड कर्नाटका. ओके. मणिपुरी डॉक्टर तांगजाम दबाली सिंह कन्फर्ट ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान. तांगजाम दबाली सिंह जो कि एक मणिपुरी के एलोपैथिक डॉक्टर है, जिन्होंने यहाँ पे कन्फर किया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज बाय जापान गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड डिपनिंग टाइज बिटवीन टू कंट्रीज. यहाँ पे ये जापान एंड इंडिया के रिलेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया है, ये इन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है. लाऊं थांगजाम दबाली सिंह कौन है, तो मणिपुर टूरिज्म फोरम के यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है. और उन्होंने ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का मतलब क्या होता है ये भी इन्होंने बताया हुआ है. ये इंटरनेशनल रिलेशंस प्रमोट कर रहे हैं जापानीज कल्चर को, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन को, वेलफेयर अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इज जनरली हाइएस्ट कन्फर्ड ऑर्डर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ क्रिएसेंथीमम विच इज रिजर्व द हेड ऑफ स्टेट एंड रॉयलिटी, ठीक है. ओके. जापान के बारे में, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन एंड प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, ठीक है. TS तिरुमूर्ति अपॉइंटेड एज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पर TS तिरुमूर्ति इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर IFS ऑफिसर है 1985 के, और करेंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये अब से न्यूयॉर्क में, सक्सीडिंग सैयद अकबरुद्दीन फॉलोइंग हिज रिटायरमेंट. यहाँ पे सक्सीड कर रहे हैं, इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है. नाउ अकबरुद्दीन हैज बीन सर्व्ड, उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे रखी हुई है. अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ करंट एक्सटर्नल अफेयर्स, तो एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर
एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो वी मुरालीधरन एंड हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में है। ओके, जुम्मा मुबारक। ओके, आप सभी को भी जुम्मा मुबारक। मनुलाइफ एक्वायर्ड 49% स्टेक इन महिंद्रा एएमसी फॉर ₹265 करोड़। यहाँ पे मनुलाइफ ने इन्वेस्ट किया है $35 मिलियन और यू कैन से 265 करोड़ इन महिंद्रा एएमसी, जो कि एक एग्रीमेंट है और जून 2019 में किया गया था। महिंद्रा फाइनेंस नाउ ओन्स अ बैलेंस 51% स्टेक इन एएमसी। एएमसी में यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस का स्टेक कितना होगा? 51% रहेगा। तो मनुलाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडक्वार्टर्स टोरंटो कनाडा, प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉय गोरी, एंड अबाउट महिंद्रा एएमसी, तो हेडक्वार्टर्स मुंबई एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आशुतोष बिश्नोई। रिलायंस इंक्रीजेस इट्स स्टेक इन 26.3% इन यूएस बेस्ड टेक कंपनी स्काईट्रॉन। स्काईट्रॉन एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी है जिसमें रिलायंस ने अपनी जो स्टेक्स है उसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा है? 26.3%, ठीक है। ऑन अ फुल्ली डायलूटेड बेसिस इन यूएस बेस्ड स्काईट्रॉन इनकॉर्पोरेट अ वेंचर फंडेड टेक्नोलॉजी कंपनी विच डेवलप्स मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मोड्स इंक्लूडिंग पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये यहाँ पे वो कंपनी बनाती है। बाकी इसके जो रिलायंस के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकेश अंबानी है। जनौषधि सुगम ऐप टू एक्सेस जेनेरिक मेडिसिन बेनिफिट्स 3,25,000 यूजर्स। यहाँ पे जनौषधि सुगम करके एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है ब्यूरो फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, जिसके अंडर में ये चीज़ की गई है। जहाँ पे जनौषधि सुगम ऐप जो है, ये ऐप क्या करेगा? एंड्रॉयड आईफोन पे रहेगा और ये क्या करने वाला है, ये लोकेट करेगा कंज्यूमर्स को एंड वहाँ पे क्या बोलते हैं अवे जेनेरिक मेडिसिन जो है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, उसकी अवेलेबिलिटी रखेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। ओके, द ऐप मेक्स द लाइव्स ऑफ द यूजर्स easier by using digital technology. Okay. About BBPI, तो उसके CEO सचिन कुमार सिंह है, जनरल मैनेजर मार्केटिंग सेल्स धीरज शर्मा, जनरल मैनेजर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन रविकांत तिवारी, जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अनुराग द्विवेदी, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे इनका दिया हुआ है। COVID-19, Glenmark Pharma becomes the first company to get nod from DCGI for clinical trials of favipiravir tablets. यहाँ पे Glenmark Pharmaceuticals जो कि मुंबई बेस्ड है उसको यहाँ पे ऐसा पहला फार्मा है जिसको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल मिल चुका है। किसका? favipiravir एंटीवायरल टैबलेट्स का। अब ये क्या है, ये टैबलेट कुछ कंट्रीज यूज कर रही है COVID-19 की ट्रीटमेंट के लिए और ये ड्रग जो है उसको यहाँ पे कौन से ब्रांड के अंडर में सेल किया जाता है? अविगाम बाय फूजी फिल्म टोयोमा केमिकल हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड हैव बीन अप्रूव्ड इन जापान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस। ये जापान में इसका अप्रूवल मिल चुका है और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे 3 phase trial भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, सो ये अभी इंडिया में भी करने वाला है और ग्लेनमार्क को इस पहली ऐसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और सीईओ एमडी जो है ग्लीन सल्दनहा है, फाउंडर ग्रेसियस सल्दनहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फेमस हिंदी एक्टर ऋषि कपूर पासेस अवे एट 67। आप सभी को ये पता ही होगा ऋषि कपूर का 67 की एज पे मृत्यु हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। अबाउट महाराष्ट्र, तो कैपिटल मुंबई है एंड चीफ मिनिस्टर उद्धव बाल ठाकरे, गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर पद्मश्री गंदियान हेमा बरली पास्ड अवे एट 101। ओह, फ्रीडम फाइटर एंड पद्मश्री गंदियान गांधीयन, ओके, हेमा बरली जो कि एक फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे और सर्वोदय लीडर, जिनका यहाँ पे बीमार होने की वजह से गुवाहाटी में उनके घर पे उनका देहांत हुआ है 101 की एज पे।
काफ़ी लंबी उम्र वो स्पेंड किए और उनका बर्थ असम में हुआ था, ठीक है, 19 फरवरी 1919 से, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से। ओके, बहुत ही ज़्यादा लंबी उम्र थी। शी रिसीव्ड पद्मश्री द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। असम तो कैपिटल दिसपुर है। ऑफिशियल एनिमल इंडियन राइनोसिस, ऑफिशियल बर्ड वाइट विंग्ड डक। अ बुक टाइटल रूम वेर इट हैपन्ड, व्हाइट हाउस मेमोर, ऑथर्ड बाय जॉन बोल्टन, द रूम वेर इट हैपन्ड, ये एक बुक है, किसने लिखी है, जॉन बोल्टन ने लिखी हुई है। और यहाँ पे ये इसकी जो बुक रिलीज की जो डेट है May 12 को थी, अब June 23 को ये पब्लिश होने वाली है Amazon.com पे एंड ये बेंज एंड नोबल बुक सेलर कंपनी में। ओके, नाउ साइमन एंड, इसमें एक और नया वर्ड आया हुआ है जो कि ऊपर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेट्स सी इसको हम फाइंड करते हैं। साइमन एंड स्किस्टर, ठीक है, साइमन एंड स्किस्टर, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है ये क्या है। ये एक सब्सिडरी है वेयाकॉम CBS की एंड इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट एंड CEO कैरोलिन क्रोल रेडी, ठीक है। ओके, आप लोग देख रहे हो ना, काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को। YouTube is not currently receiving data for the stream. If you believe that is incorrect, ensure you are sending the stream. Okay. Perfect. International Jazz Day 2020. April 30 को International Jazz Day celebrate किया जाता है, आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है, UNESCO के हिसाब से ये celebrate किया है। और इसका यहाँ पे chairman कौन है, मतलब अबाउट हर्बी हैंकॉक इंस्टीट्यूट ऑफ जैज, उसके थ्रू ये सेलिब्रेट होता है। और उसके जो चेयरमैन है हर्बी हैंकॉक है एंड वाइस चेयरमैन जो है स्टुअर्ट सबोटनिक। ओके, प्रेसिडेंट थॉमस आर कार्टर, डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स लियोनार्ड ई ब्राउन, ठीक है, परफेक्ट। JNK एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स MOU विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। यहाँ पे JNK जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि 2 सेंटर्स इन इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे सेटअप करेंगे यूनियन टेरेटरी में, 1 each एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एट जम्मू एंड बारामुल्ला, ठीक है। जम्मू एंड बारामूला में यहाँ पे 2 ऐसे सेंटर्स इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रहते ये साइन किया गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज उसके हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में, प्रेसिडेंट अनंत बाड़े, और जम्मू कश्मीर उसके कैपिटल जो है जम्मू विंटर एंड श्रीनगर समर। नेशनल पार्क्स तो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली NP, दंचीगाम NP एंड हिमिस NP एंड किश्तवार NP, ठीक है, नेशनल पार्क्स। ओके, नेशनल पार्क। सो बस इसी के साथ हमारा आज का सेशन तो कंप्लीट होता है, May 1 का आज का सेशन, मई के महीने का पहला सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपका लॉकडाउन जो है 3 मई को ख़त्म हो जाए एंड हम वापस से बाहर जा सकें। सो आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके होंगे, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाली है। और इसको लेके आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। अगेन, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पैक्स प्लान कर रहा हूँ। टेस्ट पैक्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी और टेस्ट आप दे सकते हो वेल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको करीबन 700 जितनी टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, 700 से ज़्यादा होंगी, 700 तो मिनिमम रहेगी, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, मोर देन 700 टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो व्हाट यू सजेस्ट, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स प्लान कर रहा हूँ, हमारी टीम ने इसको डेवलप करना शुरू भी कर दिया है, बट आपका यहाँ पे क्या सजेशन रहेगा कि इसका रेट क्या होना चाहिए। लास्ट 2 सेशंस पहले मैंने ये पूछ लिया था, लाइक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, मैं इस बार स्टूडेंट्स को पूछूंगा कि आप इसका क्या प्रोवाइड कर पाओगे,
ऑब्वियसली आप समझ सकते हो टेस्ट सीरीज है, वीडियोस होते तो चलो बात होती कि फ्री में हम रख सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म है, सर्वर चार्जेस होते हैं। इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या इसके लिए पे कर सकते हो, मोर देन 700 टेस्ट, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन भी होगा विथ एक्सप्लेनेशन, विथ सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे अलग अलग एग्जाम के लिए। सो एक आया है 399, बाकी स्टूडेंट्स भी आप मुझे बताइए। वैभव मिश्रा बोल रहे हैं 150 से 200 के बीच में आप पे करोगे। अच्छा, इसकी मैं टेस्ट की वैलिडिटी आपको बताऊं, ये एक महीने के लिए नहीं होगी, पूरे साल के लिए आपको प्लेटफॉर्म की एक्सेस दी जाएगी, पूरे साल, ईयरली। मतलब आप एक महीने में एक मूवीज के लिए जो पे करते हो ना, एक मूवीज के लिए, एक मूवी देखने में जितना आपका स्पेंड होता है, उतने के करीब आपका ईयरली आपको इतनी टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और बेनिफिट्स मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वेल अकेडमी का आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे जो भी जिन्होंने कोर्स में एक्सेस लिया था उनको मैंने टाइम टू टाइम सरप्राइजेस दिए हुए हैं। लाइक लास्ट ईयर के सरप्राइजेस के बारे में बात करूं तो सरप्राइजेस हम कमिट नहीं कर पाते हैं। सरप्राइजेस क्या थे, तो मोस्टली हर एक यूज़र को एवरेज 2 मंथ एक्स्ट्रा मिले थे। ईयरली मैंने कमिट किया था, लेकिन 2 मंथ मैंने एक्स्ट्रा दिए थे इनको, ये मेरा एक सरप्राइज था। दूसरा, टेस्ट सीरीज का मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था, तो टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, टेस्ट सीरीज उनको एड ऑन, जिसका यहाँ पे एक भी रुपया हमने नहीं लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक इसी दरमियान में इनके लिए नया प्लेटफॉर्म आया जो कि फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। सो दिस आर द थिंग्स हमने इंट्रोड्यूस की हुई है उनके लिए, और ये चीज़ सरप्राइजेस है, कभी भी आ सकते हैं। सो ओके, सचिन बोल रहे 349, तो मैं एक अंदाज़ा निकाल सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 399 एंड मिनिमम जो आप बोल रहे हो 150, ठीक है, 150 से 200, तो हम इसको रखते हैं 200 रखते हैं, तो 200 से लेके 399 ये आपका सजेशन है, ठीक है, मैं इसको याद रखूँगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर मैं बहुत सोचूंगा, बहुत सारी चीज़ मुझे सोचनी रहेगी। 499 वैभव बोल रहे हैं, वैभव 499 बोल रहे हैं, दैट मीन्स 200 से अभी ये हो जाएगा 499। मेरे हिसाब से 499 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, इससे तो कम ही होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो बने रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइव सेशंस तो आपके लिए होते ही रहेंगे, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, प्लस आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ सेशन अभी आपको समझ में आ गया है, मिलते हैं हम कल, आज शाम को मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे, ठीक है ना। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।